स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कनीय लेखा लिपिक का जो पद है बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल के अंतर्गत जो है जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ये पद है, ठीक है, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का। उसके जॉब प्रोफाइल को देखेंगे, उसका सैलरी, प्रमोशन, ठीक है, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, वर्क, इन सब चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स देख लें यदि इस पद का, तो पद नाम इसका कनीय लेखा लिपिक है, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क इंग्लिश में। विभाग का नाम जो है जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ये पद आता है, ग्रुप सी का ये पोस्ट है, ठीक है, और अराजपत्रित है, नॉन गजटेड पद है ये। ग्रिड पे इसका 2400 है और लेवल 4 में ये आता है, 7वां वेतन आयोग के हिसाब से, ठीक है। योग्यता जो है इसका वो इंटर है इसके लिए। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस पोस्ट के लिए वो ये है कि डाइंग कैडर इस पद को जो है घोषित कर दिया गया है 7वां वेतन आयोग का जो बिहार सरकार का रिपोर्ट आया 2017 में, ठीक है, उसमें इसको बताया गया है डाइंग कैडर, ठीक है, घोषित कर दिया गया है। तो डाइंग कैडर क्या होता है, किसी भी कैडर को मृत घोषित कर देना, यानी कि आने वाले समय में आगे से इस पद पर बहाली नहीं होगा और जो लोग बने हुए हैं वो जैसे जैसे रिटायर करते जाएंगे, ठीक है, वो पोस्ट खत्म होते जाएगा, बात उसका खत्म हो गया, ठीक। तो इसमें क्या बताया गया है, लेकिन जो है आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग का जो है ये पहले का 2014 में ही ये चीज़, ये वैकेंसी जो है दिया गया था, 14 का ही वैकेंसी है, तो हो सकता है ये जो है लास्ट बहाली हो, इसके बाद जो है ये पद नहीं निकले, ठीक है। तो क्या बताया गया है यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में, वही चीज़ है, आपको सही से नहीं देखेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, उसी चीज़ को लिख दिया गया है, द कैडर ऑफ अकाउंट्स क्लर्क बी डिक्लेयर्ड अ डाइंग कैडर, ठीक है, एंड पोस्ट ट्रांसफर टू द सिंगल क्लरिकल कैडर, ठीक है, एज दीज पोस्ट फॉल वैकेंट ओइंग टू डेथ, रेजिग्नेशन, डिसमिसल, रिटायरमेंट ऑफ द इनकम्बेंट, ठीक है। तो इसको जो है डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है और ट्रांसफ़र कर दिया है, इसको सिंगल क्लरिकल कैडर में ट्रांसफ़र कर दिया गया है इस पोस्ट को, ठीक है, जैसे जैसे ये पोस्ट वैकेंट होते जाता है, ठीक है। तो क्लरिकल कैडर क्या है बिहार में, वो आपको पता ही होगा कि क्लरिकल कैडर जो है आपका वो सबसे पहले LDC निम्न वर्गीय लिपिक, उसके बाद जो है UDC उच्च वर्गीय लिपिक, उसके बाद हेड क्लर्क जो है होता है प्रधान लिपिक, उसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट OS होता है, ठीक है। तो इसी ढंग के जो है कैडर में इसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। आगे जो है अब वर्क का बात करें, देखिए इस पोस्ट का तो मुख्य रूप से जो है इसका काम जो है आपका जो है एक तरह से फाइल वर्क है, क्लरिकल वर्क है, ठीक है, क्लरिकल इन नेचर इसका काम है। उसके बाद डेस्क जॉब है ये, ठीक है, फील्ड वर्क इसमें बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो है बैठ के काम करना है, ठीक। सेम एज LDC, इसका जो वर्क है वो आप मान सकते हैं कि ठीक उसी तरह से है, और यही कारण होगा कि वर्क नेचर जो है सेम ही होगा इसका LDC की तरह, जो क्लरिकल कैडर है बिहार में, इसी कारण से जो है इसको सिंगल क्लरिकल कैडर में ट्रांसफ़र कर दिया गया है अब इसको, ठीक है। अब देखिए कैडर का बात करें, हर पोस्ट का जो है अपना जो है किसी न किसी कैडर के अंतर्गत वो आता है, तो ये जो पद है आपका कनीय लेखा लिपिक का वो किस कैडर के अंतर्गत आता है, उस कैडर का नाम क्या है, तो इसका जो नाम है कैडर का वो बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लेखा लिपिक संवर्ग, ठीक है, ये हो गया इसका कैडर। कैडर का लेवल क्या है, देखिए किस लेवल पर ये, जैसे कि होता है डिस्ट्रिक्ट कैडर का ये कोई जॉब होता है, उसके बाद स्टेट लेवल का कैडर है किसी का, तो लेवल क्या है इसके कैडर का जो है, चीफ इंजीनियर जोन लेवल का ये है। आगे हम बात करेंगे, आप समझेंगे कि चीफ इंजीनियर जोन क्या है, ठीक है। फिलहाल समझिए आपकी चीफ इंजीनियर जोन लेवल का है ये आपका ये कैडर, और कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो भी आपके चीफ इंजीनियर ही होंगे, ठीक है। अब देखिए पोस्टिंग जो होगा आपका वो कैसे कैसे होगा, पीछे हम चर्चा किया आपको कि चीफ इंजीनियर जोन, तो जल संसाधन विभाग का हम बात कर रहे हैं, इस विभाग में क्या है कि बहुत सारे, क्योंकि इंजीनियरिंग वर्क्स रिलेटेड जैसे इसमें काम है, मान लीजिए मुख्य रूप से जो है इसका जल संसाधन विभाग का, तो क्या है कि वेरियस चीफ इंजीनियर जोन्स, बहुत सारे बिहार में जो है अलग अलग चीफ इंजीनियर जोन बना हुआ है, या साधारण भाषा में आप समझें तो जोन बना हुआ है सीधा, उस जोन का हेड जो होता है वो चीफ इंजीनियर होते हैं, ठीक है। तो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपका वही हो गया, और वहीं से जो है आपका जो है उसी लेवल का आपका जॉब है, एक बार जिस चीफ इंजीनियर जोन में आपका पोस्टिंग होगा उसी के अंतर्गत जितना भी ऑफिसेज होंगे, जो जोन आपको मिलेगा, ठीक है, उसके अंतर्गत जितना भी ऑफिस होगा वहीं पर आपका पोस्टिंग होते रहेगा, ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो, सब उसी के अंतर्गत होता रहेगा आपका। तो जोन हो गया, जोन के अंतर्गत नीचे जो है, जोन से नीचे होता है सर्किल, ठीक है,
सर्किल ऑफिस होता है, तो वहाँ पर जो है अधीक्षण अभियंता होते हैं, सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर आप लोग जो है नाम सुने होंगे, उसके बाद उससे नीचे होता है डिवीजन ऑफिस, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालक अभियंता होते हैं उसके हेड, ठीक है, और उससे नीचे फिर जो होता है सबसे नीचे सब डिविजनल ऑफिस होता है, ठीक है, वहाँ जहाँ पर अवर प्रमंडल पदाधिकारी जो ए के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से जो जोन के अंतर्गत जितना भी ऑफिसेज हैं वहाँ पर आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है, और उसी के अंतर्गत जिस जोन में आपका पोस्टिंग होगा उसी में आपका जो है ट्रांसफर, पोस्टिंग, सब चीज़ जो है बदलते रहेगा एक ही जोन के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए प्रमोशन का बात करें तो प्रमोशन में जो है आपको जब आप ज्वाइन करेंगे कनीय लेखा लिपिक में, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क में, मूल कोटे का ये पद हो गया इस कैडर का, ठीक है, लेखा लिपिक संवर्ग का जो ये संरचना है ये 2400 ग्रेड पे का हो गया आपका। पहला जो प्रमोशन आपका होगा वो वरीय लेखा लिपिक में, वो सीनियर अकाउंट्स क्लर्क में, ठीक है, वो आपका 2800 ग्रेड पे का हो जाएगा लेवल 5 में। उसके बाद जो है प्रधान लेखपाल, हेड अकाउंटेंट, दूसरा आपका जो है प्रमोशन सेकेंड होगा वो हेड अकाउंटेंट प्रधान लेखपाल में, जो कि 4200 ग्रेड पे का आपका ये होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रमोशन का बात। अब देखिए सैलरी का बात करें तो सैलरी, देखिए सैलरी इसमें आपको ग्रेड पे इसका 2400 है, बेसिक पे जो होगा हर ग्रेड पे का अपना एक बेसिक पे होता है फिक्स, तो बेसिक पे इसका जो है 25500 होता है 2400 ग्रेड पे का, और ग्रॉस सैलरी जो आपका बनेगा सब कुछ इंक्लूड करके वो आपका 37000 के अप्रॉक्स होगा, ठीक है। डिडक्शन जो है इसमें 7000 लगभग आपका जो है एनपीएस वगैरह का कटौती करके 7000 आपका जो है माइनस हो जाएगा, और उसके बाद इनहैंड सैलरी जो आपका बनेगा जो आपके खाते में आएगा वो आपका जो है 30000 के लगभग जो है बनेगा। और ये जो हम बात कर रहे हैं अभी इस सैलरी का, वो आपका जो है इस पर इसमें हम जो है डीए 17% लिए हैं, ठीक है, जो डीए 17% पे सस्पेंड हो गया था फिलहाल जो है कोरोना के कारण, तो पुराना जो ये रेट है वही अभी चल रहा है अभी फिलहाल, तो डीए 17% लिए हैं, उसके बाद एचआरए 8% और मेडिकल अलाउंस जो है आपका वो 1000 है बिहार में, उसको लिया गया है। लेकिन आप लोग जब ज्वाइन करेंगे जिस टाइम में, उस टाइम में जो है आपका ये काफ़ी ज़्यादा डीए वगैरह रहेगा, आगे हम फिर जो है एक सेपरेट वीडियो भी लाएंगे, ठीक है, सैलरी का, और उसमें हम आपको बताएंगे कि कितना जो है एक्सपेक्टेड, खास करके जो है जुलाई के बाद जो है जुलाई से इस साल, ठीक है, ये तो पुराना ही चल रहा है अभी, कितना आपका हो सकता है इंटर लेवल में जितना भी पद है उस सब का हम जो है चर्चा करेंगे कि एक्सपेक्टेड जो है कितना आपका करंट में अभी जो है हो सकता है, और जब आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम का जो डीए रेट होगा वो तो आप पर जो है एप्लीकेबल होगा ही, उसी हिसाब से जो है आपका सैलरी वेरी करेगा, ठीक है। तो जल संसाधन विभाग का जो है कनीय लेखा लिपिक के बारे में काफ़ी था, इतना सारा चीज़ जो है आप लोगों को जो है जानकारी जो है अच्छा लगा हो यदि तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और जो है ध्यान से चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।